In a previous class, we had discussed about the seven components which we eat in our food, that is carbohydrate, protein, vitamins, minerals, fat, along with water and a roughage, that is dietary fiber. तो ये सात component हमारे भोजन में होते हैं, ये हमने पिछले class में discuss किया था. आज हम देखेंगे कि इनके फंक्शन क्या हैं हमारे बॉडी में एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी हैं. तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ द एनर्जी गिविंग फूड. अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे डे टू डे एक्टिविटी में. जो भी हम एक्टिविटी करते हैं तो वो किसके वजह से हम कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट के वजह से हम इन एक्टिविटीज़ को करते हैं एंड दे प्रोवाइड एनर्जी टू अस. अगर हम बात करें इनके सोर्सेस की, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो देर आर डिफरेंट सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी गेट द कार्बोहाइड्रेट. द फर्स्ट वन इज़ द राइस, वीट, सेकेंड वन ब्रेड. ये सभी एनर्जी गिविंग फूड हैं जो हमें अपने डे टू डे एक्टिविटी को करने में मदद करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन. प्रोटीन का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. तो जो भी हमारा ग्रोथ होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, ये किसके वजह से बनते हैं, प्रोटीन के वजह से बनता है. अगर कहीं पे घाव लग जाता है, स्किन निकल जाता है, तो अगेन वो स्किन जो है फिर से वापस आ जाता है. तो वो किसके वजह से होता है, इट्स बिकॉज ऑफ प्रोटीन के वजह से होता है. तो प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रो होने में, अच्छे से डेवलप होने में मदद करता है. अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो इनके बेस्ट सोर्सेज जो हैं वो फिश हैं, दालें हैं, पल्सेस, कोई भी दाल ले सकते हैं, सब में दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. उसके बाद सोयाबीन है जो कि ईजिली अवेलेबल होता है, हम कंज्यूम करते हैं डे टू डे, तो ये सभी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है. नेक्स्ट अगर हम बात करें फैट की, तो इट गिव्स अस एक्स्ट्रा एनर्जी टू बॉडी. तो ये जो है एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं फैट, इट इज़ ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. तो अगर फैट मीन्स वसा, तो अगर हम उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके वजह से मोटापा, ओबेसिटी की कंडीशन हो जाती है. सो दैट इज़ द फैट. और अगर हम सोर्सेस की बात करें, फैट कहाँ से मिलता है, तो ऑयल, घी. तो जो भी ऑयल या ऑयल वाले फूड हैं वो गुड जो सोर्स हैं फैट के, ये होते हैं. तो नेक्स्ट वन इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये दोनों जो हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमें बीमारी से बचाते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस एंड दे फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. ये बीमारियों से लड़ते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं. अगर विटामिन्स एंड मिनरल्स हम रेगुलरली ना लें तो जो भी बीमारी है हम पे अटैक कर लेगी और हम बीमार हो जाएंगे. तो अगर हम इनकी बात करें, इनके सोर्सेस की बात करें कि विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें कहाँ से मिलता है, तो बेस्ट सोर्स है विटामिन्स एंड मिनरल्स का ग्रीन वेजिटेबल्स. हमें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए. इसके अलावा दूध और मिल्क है, फिश ऑयल है, ये सभी गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं. नेक्स्ट वन इज़ द रफेज एंड वाटर. रफेज एंड वाटर हमारे बॉडी में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं प्रोवाइड करता है, बट दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. ये क्या करते हैं, अगर पानी और रफेज, डाइट्री फाइबर जिसको हम कहते हैं, ये हमारे भोजन को पचने में मदद करते हैं. अगर ये ना हो तो हमारा भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, और जितने भी कंपोनेंट हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हैं, ये हमारे बॉडी में नहीं जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में. तो ये था सेवन कंपोनेंट और इनके क्या क्या फंक्शन हैं हमारे बॉडी में. द नेक्स्ट इज़ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट क्या होता है कि इसको हिंदी में हम संतुलित आहार कहते हैं. अ डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. इट मीन्स कि वो आहार जो हमें ज़रूरत होता है और जिसमें बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, अगर वो सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं. ऐसा नहीं कि अगर हम भोजन करें और उसमें एक ही तरह का, खाली हम चावल खाएं तो खाली कार्बोहाइड्रेट मिले, सो दैट इज़ नॉट द बैलेंस डाइट.
या फिर हम खाली हरी सब्जी खा रहे हैं, सिर्फ हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बैलेंस्ड डाइट। एंड बैलेंस्ड डाइट वो हो जिसमें हमें एनर्जी भी मिले, जिससे हमें प्रोटीन भी मिले, जिससे हमें विटामिन एंड मिनरल्स भी मिले और रेगुलर इंटरवल में मिले, तो दैट इज़ कॉल्ड द बैलेंस्ड डाइट। जो कि जो भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए ज़रूरी हो वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ओबेसिटी, जैसे कि मोटापा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम फैट अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं और उस फैट मीन्स इट गिव्स एक्स्ट्रा एनर्जी, तो ये हमें काम करने में मदद तो करता है, लेकिन हम जितना फैट ले रहे हैं अगर हम उसको कंज्यूम जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होता है, वो बॉडी में स्टोर होने लगता है एंड दैट रिजल्ट्स इन द ओबेसिटी, और जिसके वजह से फिर ओबेसिटी की बीमारी, मोटापे की बीमारी होने लगती है। तो हमें फैट उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम उसको कंज्यूम कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। एक्स्ट्रा अमाउंट में लेने से वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और हम फिर ओबेसिटी से ग्रसित हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी एंड डिजीज मीन्स बीमारी। इट मीन्स कि अगर इन सेवन कंपोनेंट्स में अगर किसी भी एक चीज़ की कमी हो गई, कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई या फिर प्रोटीन की कमी हो गई, तो उस कमी से होने वाले बीमारी को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन प्रोटीन नहीं लिया तो हम उसकी बीमारी से सफ़र करने लगेंगे, एक दिन हमने विटामिन नहीं लिया तो हम विटामिन की कमी से सफ़र करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये होता है जब हम लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम उस विटामिन से या फिर उस कंपोनेंट को अगर हम नहीं लेते हैं देन दैट डिजीज़ अराइजेस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ का। तो फर्स्ट वन इज़ द विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए नहीं लेते हैं तो इसके वजह से लॉस ऑफ विजन होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रातों में दिखाई नहीं देना, साफ दिखना नहीं, दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। वहीं पे हम अगर विटामिन सी की बात करें, जो कि सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट्स में पाए जाते हैं, तो अगर हम विटामिन सी भी लॉन्ग पीरियड में नहीं ले रहे हैं तो जिसके वजह से स्कर्वी डिजीज़ होने लगता है। स्कर्वी होता है आपके गम से, मसूड़े से ब्लीडिंग होने लगती है, दैट इज़ द स्कर्वी डिजीज़। एंड अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स मीन्स आपके जो बोन्स होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ की। तो ये जो भी डिजीज़ेस हैं आपके बुक में, आपके चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में अच्छे से टेबल बना के दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये था सेकंड चैप्टर, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं और उनके हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, और अगर हम वो उस कंपोनेंट को नहीं लेते हैं तो वी विल सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज़, तो उससे हमें बीमारी भी होती है अगर हम लंबे समय तक नहीं लेते हैं। तो अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।